चाहे अपनी कोडिंग स्किल्स और टेक स्किल्स को कितना भी पॉलिश कर लो, लेकिन ऑफर तो उसी बंदे को ज्यादा मिलता है जिसकी कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी होती है। और यही नहीं, इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि डेल कार्नेगी का कम्युनिकेशन कोर्स खरीदना उनके बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक था। तो अब ये डेल कार्नेगी कौन है? दोस्तों, डेल कार्नेगी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के ऑथर है। तो चलिए आज हम इन्हीं की बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या लिखा है इस बुक में कम्युनिकेशन का राज। अब देखो, किसी भी इंसान से अच्छे तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए या उसे कन्विंस करने के लिए पहले हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सीखना होगा। अब हमें अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है, चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, इमेजिन करो कि दो आदमी अलग अलग नाव में बैठकर फिशिंग कर रहे हैं। अब एक आदमी अपने कांटे में चॉकलेट फंसा रखा है और वहीं दूसरा आदमी अपने कांटे में कीड़ा फंसा रखा है। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सा आदमी ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा? ऑब्वियसली वही आदमी ज्यादा मछलियाँ पकड़ेगा जिसने कांटे में कीड़ा लगा रखा है। अब इससे इतना तो समझ में आता है कि किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए या उसे कन्विंस करने के लिए हमें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। लेकिन अट्रैक्ट कैसे करें? काफी समय पहले न्यूयॉर्क में एक टेलीफोन कंपनी ने सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने पाया कि लोगों को ज्यादा मैं सुनना पसंद है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये सब पसंद है, मैं ये सब कर दूंगा, मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगता है। तो दोस्तों, मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक को निचोड़ कर कुछ 17 पॉइंट्स में समराइज किया है। और हाँ, ये मत भूलना कि ये वही बुक है जिसके ऑथर का कोर्स इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी मतलब वॉरेन बफेट ने खरीदा था। तो चलिए फटाफट चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, स्माइल। अब देखो, हम जब भी शादी में हमारे रिश्तेदारों से मिलते हैं तो सबसे पहले हम स्माइल करते हैं और सामने वाला भी हमें देखकर मुस्कुराता है। बात शुरू होने से पहले ये पॉजिटिव इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो इसीलिए याद रखना, जब भी किसी से मिलो तो सबसे पहले स्माइल से शुरुआत करना। फिर इसके बाद हमें पॉइंट नंबर 2 का यूज करना है, विच इज यूज नेम पर्सनली। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में आपको सबसे अच्छा नाम किसका लगता है? सोचो। अगर आपने अभी तक सोच ही रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे अच्छा नाम आपका खुद का लगता है। तो इसी तरह हमें सामने वाले का नाम से पुकारना चाहिए क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा नाम का यूज करके पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो सामने वाले का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज आपका नाम सुरेश है और मैं आपको ऑप्शन ए मतलब कुछ इस तरह से बुलाऊं, हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, या ऑप्शन बी हाय सुरेश हाउ आर यू डूइंग टुडे। इसी तरह जब हम किसी को भी नाम लेकर पुकारते हैं तो उसे अपनापन फील होता है और वो हमारी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, नो मोर अबाउट सेकंड पर्सन बिफोर यू मीट। अब देखो, जब भी हमारी सामने वाले इंसान से इंटरव्यू या मीटिंग हो तो सबसे पहले हमें उसके बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इन पॉइंट्स का उपयोग पॉइंट नंबर 4 में कर सके। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड आस्क क्वेश्चंस। जब हम सामने वाले की पसंद नापसंद के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तब हम उस पॉइंट पर काफी डीप में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बना रहेगा। और अगर आपको सामने वाले की पसंद नापसंद का पता नहीं है तो आप उसे डायरेक्ट क्वेश्चन करके भी पता कर सकते हैं। उसे डायरेक्ट सीधा पूछ सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है, आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है। और अगर सामने वाला रिप्लाई में क्रिकेट आंसर देता है तो आप उसे क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कब है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, आपने लास्ट टाइम मैच कौन सा देखा था। तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 और 6 के बारे में, बी रेस्पेक्टफुल व्हाइल टॉकिंग एंड एडमिट योर मिस्टेक। अब देखो, इस दुनिया में हर इंसान अपनी रेस्पेक्ट का भूखा होता है क्योंकि इंसान को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलने से उसको ज्यादा खुशी भी मिलती है। अब देखो, इसके बारे में मेरी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार भीड़ में तेजी से चल रहा था और मेरा पांव गलती से एक बूढ़े इंसान के टच हो जाता है और मुझे इस बात का बिल्कुल पता भी नहीं लगता। और तभी पीछे से एक भैया मुझे पकड़ते हैं और गुस्से से गर्म होकर बोलते हैं कि बूढ़े इंसान के कैसे धक्का मारा। तो मैंने जो बोला वह सुनकर वह भैया और वह बूढ़ा इंसान एकदम रिलैक्स हो गए। मैंने एग्जैक्टली कहा था, ब्रो आई डोंट नो व्हेन आई पुश्ड द ओल्ड मैन, आई ऑल्सो रेस्पेक्ट ऑफ अवर सीनियर सिटीजन एज यू डू, वॉट एवर इट हैपेंड इट वॉज अनइंटेंशनली एंड आई आस्क सॉरी देम। उसके बाद वो दोनों मुझे कुछ भी नहीं बोले और वहाँ से चले गए। ये पॉइंट भी मैंने इस बुक को पढ़कर ही सीखा था और अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप जब भी दूसरे लोगों से बात करें तो उन्हें सम्मान देकर बात करें, और इसी बीच अगर आपकी गलती भी हो जाती है तो आप उसे हैप्पी हैप्पी एक्सेप्ट करें और उसके लिए आप माफी भी मांग सकते हो। बट हाँ, हमारी कम्युनिकेशन बेहतर बनी रहे इसीलिए हमें कम्युनिकेशन को आर्ग्यूमेंट में नहीं बदलना है। फिर इसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं, डोंट गिव ऑर्डर्स एंड आस्क क्वेश्चंस। दोस्तों, हमें जब भी अपना काम किसी दूसरे लोगों से करवाना रहता है तो हमें उन्हें सीधा सीधा ऑर्डर ना देकर हमें हमारे काम को एज अ क्वेश्चन की तरह फ्रेम करके उनसे पूछना है। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आप और आपके कलीग एक ऑफिस में बैठे हुए हो और आप आपके कलीग को बोलते हो, ऑप्शन ए जाओ जाकर मेरे लिए पानी ले आओ, ऑप्शन बी
क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगे। अब यहाँ पे ऑप्शन बी वाले सेंटेंस में बहुत ज्यादा क्लियरिटी है, क्योंकि इसमें हम दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं और अपना काम करवाने से पहले उनसे आज्ञा भी ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से सामने वाला हमारे काम को करने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, शो एंथुसियाज्म एंड यूज योर वॉइस टोन। दोस्तों, आपने आपके चारों तरफ जब भी किसी बड़े आदमी को कॉल पर बात करते हुए देखा होगा, या जिस भी इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा है उसको कॉल पर बात करते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी वॉइस टोन बहुत ही हाई पिच पर होती है। क्योंकि जब हम कॉल पर बात करते हैं तो हमारी आवाज ही हमारा चेहरा बनती है, और उस समय हमारी आवाज में जितना एक्साइटमेंट होगा, जितना एंथुसियाज्म होगा, सामने वाले को भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा, उतना ही एक्साइटमेंट आएगा। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा कि सामने वाले की बात सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू उसको बात किस तरह से बोला जा रहा है। तो इसी के बारे में है पॉइंट नंबर 9, लिसन लिसन लिसन। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही होता है जो लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है। और जब भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन भी पूरा नहीं बोलते और सामने वाला बीच में आपकी बात को काट कर आंसर देने लगता है। इससे बुरा आपको क्या लग सकता है। इसीलिए जब भी हम कभी ग्रुप डिस्कशन करें या किसी भी इंसान को कन्विंस करें, तो हमें उसके क्वेश्चंस या उसकी बातों का खत्म होने का वेट करना है, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देना है और उसके बाद हमारा आंसर देना है। और हाँ, इसी के साथ एक मजेदार ट्रिक भी बताता हूँ। अगर आप किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और वन टू वन कर रहे हैं, तो सामने वाले बात को सुनकर ऐसे क्वेश्चन करें कि जिससे सामने वाला और ज्यादा बोले और ज्यादा गहराई में जाए। क्योंकि जब सामने वाला इंसान ज्यादा बोलता है और ज्यादा बातें करता है, तो इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन इट मोर, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। अब इसके साथ साथ हमें उसे अप्रिशिएट करना भी सीखना चाहिए। इसी के लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पर, अप्रिशिएशन। आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो आप बात की शुरुआत हमेशा सामने वाले के अप्रिशिएशन करके करें। और इसके साथ साथ अगर जब भी सेकंड पर्सन का सेंटेंस खत्म हो, तो उसके बाद हमें हमारा सेंटेंस शुरू करने से पहले कुछ अमेजिंग वर्ड्स का यूज करना है, जैसे वंडरफुल, अमेजिंग, कूल, ग्रेट, गुड, etc. कुछ इस तरह का वर्ड यूज करके हम सामने वाले का इंटरेस्ट हमारी बातों में रख सकते हैं, जिससे सामने वाला कंटिन्यूसली हमारे साथ इंगेज होकर रहेगा। लेकिन ये कहीं इंगेजमेंट आर्गुमेंट में ना बदल जाए, इसीलिए पॉइंट नंबर 11 जरूर से सुन के जाओ। एंड द पॉइंट नंबर 11 इज अवॉइड आर्गुमेंट। दोस्तों, एक सर्वे से पता लगा था कि 90% आर्गुमेंट्स के रिजल्ट एकदम बेकार ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक आदमी जीतता है और दूसरा वहीं पे हारता है। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो विन लॉस की सिचुएशन को बदलकर विन विन सिचुएशन में बदल दे। और अगर सामने वाला इंसान कूल डाउन नहीं होता है या कम्युनिकेशन में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करने लग जाता है, तो आप सामने वाले को एक बार वार्न कर सकते हैं। और अगर इससे भी सामने वाला नहीं मानता है, तो आप कम्युनिकेशन को क्लोज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ बुरा होने से तो बेहतर है कि कुछ नहीं हो। और हाँ, कभी कभी कम्युनिकेशन इस वजह से भी खराब हो जाती है कि हम सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं। और इसी के लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 12 है, नेवर टेल ही इज रॉन्ग। इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब आप 6-7 क्लास में थे, तो आपके क्लास टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, और जब आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत देते थे, तो जब आपके इंग्लिश टीचर बोलते थे, तुम्हारा जवाब एकदम गलत है, तुम्हें कुछ नहीं आता, और वहीं पे तुम्हारा हिंदी टीचर तुम्हारा जवाब गलत होने पर तुम्हें बोलता है कि तुम्हें इस प्रश्न का जवाब इस तरह न दे करके तुम्हें इसमें यह सुधार करना चाहिए और अपने उत्तर को कुछ इस तरह बनाना चाहिए। तो इससे अब आपको खुद को ही पता लग गया होगा कि कौन सा पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हिंदी वाले टीचर इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसने अपने कम्युनिकेशन में एक दोस्ती वाली भूमिका भी निभाई है। तो इसी के लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 13 पर, बी फ्रेंडली। अब आपका टाइम बचाने के लिए मैं इस पॉइंट को छोटी सी लाइन में सम अप करूंगा। आपको बचपन में किस तरह के टीचर्स पसंद आते थे, फ्रेंडली और सीरियस, और क्यों? 3, 2, 1, ऑफकोर्स आपको आंसर फ्रेंडली ही होगा। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 14 पर, यस 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 टेक्निक। यदि हम किसी भी इंसान से 5 बार यस बुलवा लेते हैं, तो 6ठी बार उसके मुंह से ऑटोमेटिकली यस निकलता है। तो इसी टेक्निक को मैं अब आपके ऊपर अप्लाई करता हूँ। क्या आपको लगता है आप एक ना एक दिन बड़े आदमी बनोगे? ऑफकोर्स यस आपका जवाब होगा। क्या आपको पैसा कमाना पसंद है? ऑफकोर्स यस आपका जवाब होगा। क्या आप मेरी वीडियो से आपका टाइम बचाएंगे? यस ऑफकोर्स यस आपका जवाब होगा। क्या ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे? ऑफकोर्स यस आपका जवाब होगा। क्या मेरी वीडियोस आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद करते हैं? ऑफकोर्स यस आपका जवाब होगा। तो क्या आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए? ये मेरा सेल्स पॉइंट था। तो इसका जवाब भी आपका यस ही होगा, क्योंकि आपने पिछले 5 बार यस बोला है। तो हमारे माइंड में ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली हमारे जवाब को यस में बदल देते हैं। तो किसी से भी अगर यस बुलवाना हो, तो हम इस 5 यस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 15 पर, लेट देम टॉक। अब कभी भी सेल्स कर रहे हो या कन्विंस,
सामने वाला सेकंड पर्सन जितना ज्यादा बोलेगा आपकी जीत उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जब सामने वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी और आप उस जानकारी का यूज करके सामने वाले को कुछ इस तरह का सॉल्यूशन दे सकते हो जो आपके फेवर में भी हो या सामने वाले के फेवर में भी हो। अब इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 16 पर, सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, जब भी हम सामने वाले को कन्विंस करें या सामने वाले के लिए सेल्स करें तो हमें अपने आप को सामने वाले की पोजीशन में रख के एक बार चेक करना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट इसके लिए गुड फिट होगा, क्या मैं इसे कन्विंस कर पाऊंगा, क्योंकि हम कभी कभी किसी गलत इंसान को प्रोडक्ट बेचने या कन्विंस करने में लगे रहते हैं जबकि वो हमारे लिए गुड फिट होता ही नहीं है। और हाँ, पॉइंट नंबर 17 मतलब बी सिंपैथेटिक। जब भी हम किसी भी इंसान से बात करें उसके आइडियाज के बारे में, उसके डिजायर्स के बारे में या फीलिंग्स के बारे में, तो हमें हमारे वर्ड्स, वॉइस टोन और वॉइस पिच को एकदम सिंपैथेटिक बना के बात करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम सामने वाले इंसान के इमोशंस को टच कर पाते हैं और इस वजह से हम सामने वाले इंसान को अच्छे से समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट बुक समरी कौन सी चाहिए, और अगर आप आपके अवचेतन मन मतलब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, आप उसकी पावर को किस तरह से यूज कर सकते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।